तो दोस्तों काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था काफ़ी दिन से कि भाई जो चूबी का लैपटॉप लिए हो इसका एक फुल रिव्यू वीडियो बनाओ। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या आ चुका हूँ इस चूबी लैपटॉप का फुल रिव्यू वीडियो। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आप लोगों को बताया इसका जो है प्रोसेसर कैसा है और किस लिए बनाया है, क्या आप किस पर्पज़ के लिए ले सकते हो, वो भी मैं आज थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा। और इसके बारे में आपको फुल रिव्यू वीडियो देने वाला हूँ। ओके, फुल रिव्यू देने वाला हूँ इस वीडियो में आपको। इसका चार्जर कैसा रहने वाला है, ये लैपटॉप कैसा है, कैसे क्या ये पूरा वर्क करता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग इसका एक बार लुक देख लीजिए ऊपर से। इसका ऊपर से कुछ लुक इस तरह से है। अभी मैं इसका अंदर से भी दिखाऊंगा। इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे ये पोर्ट्स हैं, इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। पहले आप लोग इसे लुक वाइज देखिए कैसा लगता है। ओके, तो अभी ये ऐसा लग रहा है। इसे अगर आप ओपन करना चाहें तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस दिया रहता है, आप यहाँ पर उंगली को लगा के इस तरह से इसे ओपन कर सकते हैं। ये काफ़ी लाइट वेट है तो इसे एक हाथ से ओपन करना इम्पॉसिबल है। आप लोग देख सकते हो इसे इस तरह से नहीं कर सकते, इसे इस तरह से झटका देना होगा या फिर आप लोगों को दोनों ही हाथों का यूज़ करके तब इसे ओपन करना होगा। इसका एक ही रीज़न है, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है तो यहाँ पर आप लोग एक हाथ से इजीली ओपन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने इस तरह से ओपन किया है बट आप लोग ऐसे डायरेक्टली ओपन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको ये डिस्प्ले मिल जाती है कुछ, एंड ये इसका जो रहेगा कीबोर्ड रहेगा, एंड यहाँ पर जो ये है माउस इसका। ओके, तो आप लोगों को कुछ इस तरह से ये पूरा मिल जाता है। अब देखिएगा आपको यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये रहेगा जो है पावर बटन। ओके, इसे आप जैसे लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं थोड़ा सा आपको वेट करना है और ये जो रहेगा यहाँ पर एक जो लाइट रहेगा ब्लिंक हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये लाइट आ रहा है एंड आपको थोड़ा सा वेट करना है और आपकी स्क्रीन आ जाएगी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर चूबी लिख कर आ चुका। थोड़ा सा मैं दूर हटाता हूँ मोबाइल को एंड आप लोग देख पाओगे तो यहाँ पर अपना जो लैपटॉप है वो ओपन हो चुका है, ठीक है ना। देखिए इनका सबसे पहले तो मैं कीज़ के बारे में थोड़ा आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। इनमें आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। अगर आप लोग यहाँ से टाइपिंग करते हो तो काफ़ी अच्छी टाइपिंग हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्पेस आप लोगों की में देखने को मिल जाता है। ओके, एंड आप लोग देखोगे तो यहाँ पर इसका माउस भी काफ़ी बड़ा मिल जाता है, जो कि अदर लैपटॉप्स में आई थिंक इतना बड़ा माउस नहीं मिलता है। ओके, जो माउस पैड आप लोग यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल ईजिली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, वर्क कर रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा, आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो अब इसे थोड़ा सा हम इस तरह से साइड में घुमाते हैं और आप लोग इसके बारे में थोड़ा और कुछ बता देते हैं। ओके, इस तरह से करते हैं और यहाँ पर आप लोग ये पोर्ट दिए जाते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो आपको फर्स्ट पे ये पोर्ट मिल रहा है जो रहेगा आपको, ये तो चार्जिंग का मिलेगा। ओके, सेकेंड में आपको जो रहेगा USB का मिलेगा और थर्ड में आपको HDMI का मिल जाएगा, एंड यहाँ पर आपको एक टाइप सी का भी पोर्ट मिल जाता है। ओके, एंड आप लोगों को यहाँ पर मैं एक बार इसे उल्टा करके दिखा देता हूँ। आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपको दो स्पीकर दिए जाते हैं, डुअल स्पीकर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर नीचे साइड में। ओके, और यहाँ पर ऐसे कूल रखने के लिए कुछ इस तरह से होल्स हैं, एंड यहाँ पर फैन भी लगा हुआ है और फैन की हवा जो रहेगी, जो एयर रहेगी, हॉट एयर यहाँ से निकलती है। ओके, एंड आप लोग देख सकते हैं इसे लुक लाइक पूरा काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब इसे मैं उस तरफ घुमाता हूँ और आप लोगों को और थोड़ा सा बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं अब इसे इस साइड में घुमा लेता हूँ एंड आप लोग अभी देखेंगे तो यहाँ पर आपको तीन पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। एक तो आपको SD कार्ड का, जो आप मेमोरी कार्ड अपना यहाँ पर लगा सकते हैं, एंड सेकंड जो रहेगा आपका ऑडियो का, एंड ये वाला जो रहेगा आपका USB का है, ठीक है ना। ये तो मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ बट मैंने फिर भी बता दिया आप लोगों को। ये लुक लाइक पूरा कुछ इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया पूरा, ठीक है ना, प्रॉपर दिखा दिया। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या आती है। देखिए यहाँ पर मैंने एक DaVinci Resolve जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है इसे इंस्टॉल कर रखा है, इसे मैं ओपन करता हूँ। ओके, यहाँ पर एरो लाता हूँ एंड इसे जो रहेगा ओपन कर दिया मैंने। ओके, मैंने ओपन कर दिया, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो आप ये आ चुका है। इसका इंटरफेस थोड़ा लेट आता है, वो तो इतना तो रहता ही है, लेट हो जाता है लोडिंग में। और अभी ये यहाँ पर आ चुका है। ओके, अब मैं यहाँ से कोई भी एक प्रोजेक्ट जो रहता है इसे ओपन कर लेता हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्रोजेक्ट को ओपन किया मैंने। ओके, इसे ओपन किया, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और यहाँ पर जो है अभी प्रॉपर वर्क करेगा। अभी देखिए यहाँ से मैं इसे प्ले करता हूँ, ठीक है ना, मैंने प्ले किया। बट जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे कलर ग्रेडिंग पे तो इसका पूरा जो रहेगा प्रोजेक्ट एकदम से रुकने लगेगा, अटकने लगेगा। देखिए आपको कुछ इस तरह से हो चुका है। बट यहाँ पर मैं कुछ भी कलर ग्रेड करता हूँ तो यहाँ पर कलर ग्रेड हो रहा है, बट यहाँ से जब मैं इसे ओपन करता हूँ, जैसे कि मैं इसे प्ले करता हूँ, तो प्ले सही से नहीं होगा। जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, एंड यहाँ पर ये वीडियो थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो आई थिंक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि इसे थोड़ा सा एडिटिंग में दिक्कत आती है। वैसे कोई दिक्कत है नहीं, एज ए स्टूडेंट आप परचेज कर सकते हैं, इसी लो लेवल के वर्क के लिए इसे परचेज कर सकते हो, लाइक ट्रेडिंग या फिर कोडिंग के लिए भी इसे। अब देखिएगा थोड़ा सा मैं चार्जर के बारे में बात कर लेता हूँ कि इसका चार्जर कैसा रहने वाला है।
अभी आप लोग देख सकते हो जो मैंने अभी आपको पोर्ट दिखाया था उसमें ये चार्जर लग जाता है ओके। एंड आपको जो ये अडेप्टर बोल सकते हैं इसे, ये कुछ इस तरह से आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं इसमें क्या लिख रखा है और कितने जल्दी चार्ज कर सकता है आप अगर अंदाज़ा लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं ओके। एंड इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो काफ़ी लंबा है ये चार्जर। आप लोग अगर अपने बोर्ड से जाके दूर कहीं लैपटॉप को यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, आई थिंक ये 1.5 मीटर तक का होगा, 1.5 से 2 मीटर तक होगा ओके। एंड इसका ये केबल कुछ इस तरह से, अगर आप लोग चाहो तो इसे यहाँ से स्विच को निकाल भी सकते हो, यहाँ पर निकालने का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको ठीक है ना। इसे अलग कर सकते हो और इस पार्ट को अलग कर सकते हो ओके, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो चार्जर ये कुछ इस तरह से है, मुझे ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज है नहीं ये कितनी देर में लैपटॉप को फुल चार्ज कर देता है, बट मैं एक बार इसे टाइम लगा के चार्ज करूँगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इसने कितनी देर में लैपटॉप को फुल चार्ज कर दिया ओके। आई थिंक दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड हमारे इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।